नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और लैश स्टॉक इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है ना। हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जिसका एग्जाम बच्चों के चल रहा है या बहुत नजदीक है, उनकी तैयारी मैं अभी करवा रहा हूं आपको ना। तो उसके लिए अपन तीसरा टॉपिक जो है आलेख की या ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं ना, आरेख अपन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। कल के वीडियो मैंने आपको दंड आरेख समझाया था बनाना, है ना। अब आपके दंड आरेख को इंग्लिश में बार डायग्राम भी कहते हैं ना, बार डायग्राम कहते हैं। अब जो है मिश्रित दंड आरेख बनाना सीखेंगे, कंपाउंड बार डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टोटल जनसंख्या दे रखी है 1951 से लेकर 2011 तक, है ना। और पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, ये लाखों में दे रखे हैं ना। तो उसको देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो इस जनगणना जो दे रखी है आपकी, है ना, वो जनगणना के आंकड़े की इकाई क्या है, एक बार बुक के अंदर क्वेश्चन देख लेता हूं मैं ना। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके हाँ साक्षरता दर है, सॉरी, है ना, लिटरेसी रेट है। ये जो आंकड़ा है आपके वो साक्षरता दर का है, यानी भारत की साक्षरता दर ना 1951 से लेकर 1971 तक, है ना, किस प्रकार से हुई है। टोटल साक्षरता दर कितनी है, जेंट्स की कितनी है, लेडीज की कितनी है, यानी मेल की कितनी या फीमेल की कितनी है, उसके लिए आपको कोई डायग्राम बनाने का बोले आप किस प्रकार से बनाओगे। मैंने दंड आरेख बनाते समय बताया था कि बार डायग्राम के लिए पहले आपने को स्केल लेनी पड़ेगी और उस स्केल के लिए अपने को मिनिमम और मैक्सिमम का पता होना चाहिए। इस डायग्राम के अंदर मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है वो देखो। शायद मिनिमम मुझे जहां तक लग रहा है ये आंकड़ा मिनिमम है 8.86, है ना, और मैक्सिमम आपके हैं 80.9। ये आपके पास आ गया मिनिमम और मैक्सिमम डाटा, है ना। फिर आपको जैसे मैंने कल भी खींची थी ना, उस प्रकार की एक लाइन बना लेता हूं मैं, ठीक है ना। देखो तो देखो एक लाइन यहां तक बना ली ना, एक लाइन आप जितना अपना पेज हो उस पेज के हिसाब से आपको लाइन बनानी है ना। उसके बाद क्या करना आपको, आपको दिखाना क्या है, ऐसी संख्या लेनी है कि 8.86 भी आ जाए और 80.9 भी आपके आ जाए, है ना। तो ऐसी क्या लेंगे अपन, ये नीचे वाला तो है जीरो, है ना, नीचे वाला तो है जीरो, है ना। फिर जीरो से अपन जो जो ऊपर जाएंगे तो स्केल के हिसाब से बराबर लेंगे ना। यहां तक हो गया 10 ना, यहां तक 20, यहां तक 30, यहां तक 40, यहां तक 50, यहां तक 60, यहां तक 70, यहां तक 80 ना, लगभग आपके 80 के आसपास का आंकड़ा आपकी दे रखा है। हाँ आगे बढ़े 90 भी ले लो, यहां तक 90 हो जाएगा आपके, है ना। फिर नीचे ये जो सन है वो नीचे आएंगे, है ना। तो आपके यहां आप लिखोगे इस तरीके से कि ये क्या चीज है ना, ठीक है ना। ये क्या चीज है, तो ये है आपकी साक्षरता ना, लिटरेसी रेट, साक्षरता किसमें है, प्रतिशत में ना। ये आपने ऊपर लिख दिया, अब आप नीचे क्या लिखोगे ना, नीचे आपको सन लिखना है ना। तो सन लिखने के लिए भी आप सेम टू सेम कितने हैं देख लो, लगभग 5-6 सन आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो बराबर गैप छोड़ दो, ये हो जाएगा 1951,
साथ में लिखते जा रहा हूं मैं ना, ये हो जाएगा 1961, ये हो जाएगा 1971, ये हो जाएगा 1981, ये हो जाएगा 1991, ये हो जाएगा 2001, ये हो जाएगा 2011, ये आपके सन हो गए ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये आपके मिश्रित डायग्राम के अंदर थोड़ा इस गैप का ध्यान रखें कि भी आपको गैप भी बराबर लेना है। किस प्रकार से ले रहे, देखो ये थोड़ा सा गैप कम आ गया था इसलिए मेरे को बिठाना पड़ा ना। फिर आपके 1991, 2001, 2011 ना। देखो अब आप डंडे बना दो, तीन प्रकार के डंडे बनेंगे। कुल जनसंख्या का अलग बनेगा, पुरुष का अलग बनेगा, स्त्री का अलग बनेगा, है ना। तीन प्रकार के आपको बार बनाने हैं, डंडे बनाने हैं। डंडे बनाने के लिए वापस शेप ही लेता हूं मैं, है ना। इस शेप के द्वारा आप आराम से डंडे बना सकते हो, है ना। ठीक है, देखो सबसे पहले किसका बनाए, 18.33 का, यानी 20 के पास में आपके 18.33 है ना। तो देखो शेप लिया मैंने और ये आपके हो गया 18.33 का, है ना। फिर आपके 27.16 का, है ना। तो इसी के पास से आपको लेना है 27, ये आपके ना। तीसरा जो आपके 8.86 ना, इसी के पास से आपको लेना है 8.86, है ना। इस प्रकार के प्रत्येक सन के ऊपर तीन तीन बार आएंगे, ध्यान ये रखना बीच का गैप बराबर हो और बारह की मोटाई एक समान हो, ये इसमें सावधानी है। इस विधि की सिंपल विधि है। अब दूसरा देखें 1961 का, तो सबसे पहले 28.3 ना, तो आपको यहां से 28.3 का आंकड़ा अपन लेंगे, ये है ना। फिर आपके दूसरा जो है 40.4, तो यहीं से आपको 40.4 तक ले जाना है। फिर तीसरा है 15.35, तो ये है ना। मैं दो ही बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप आगे बना लेना। सहमिति द्वारा ध्यान ये रखे इस डंडे की मोटाई बराबर हो। फिर आपको नीचे लेना है संकेत चिन्ह, है ना। इस प्रकार से तीन नीचे बॉक्स बना दो, है ना। और बॉक्स बनाने के बाद ये बॉक्स बना दिया मैंने, ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया, है ना। इन बॉक्स के आगे लिख दो किस चीज का है। सबसे पहला जो है वो कुल का लिख दो, तो कुल जनसंख्या। दूसरा जो है पुरुष का है, तो पुरुष लिख दो। और तीसरा जो है महिला है, तो महिला लिख दो। फिर आप अपने हिसाब से, है ना, जो भी आपको डिजाइन उचित लगे इसमें आपको कर लेनी है, या कलर भरना है तो कलर भी आप भर सकते हो। जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे को इस प्रकार की लाइनें इसमें खींच देनी चाहिए ना, डॉट डॉट ही कर दू मैं इसमें, डॉट डॉट कर देता हूं, है ना। इसमें मैं आपके या आपके इस प्रकार से तिरछी लाइनें खींच लेता हूं, है ना।
इसमें मैं आपके सीधी लाइनें खींच लेता हूं। मेरे पास तो कलर का ऑप्शन है खूब सारे, अब आपके पास कलर का ऑप्शन नहीं हो तो भी चलेगा ना, यस है ना। और इसमें आप बना दो, पहले वाले में डॉट डॉट जो है तो आप इसमें क्या करना है, डॉट डॉट लगा दो, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरे वाले में आड़ी लाइनें आपने खींच रखी है तो आपको इस तरीके से आड़ी लाइनें आपको खींच लेनी है ना। और तीसरे में सीधी लाइनें खींच रखी है तो इसमें भी आपके सीधी लाइनें खींच जाएगी ना। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन दे देना, नीचे सिंबल जरूर बनाना कि कुल क्या है, पुरुष क्या और महिला का कौन सा है ना। ये जो आपके जो है वो मिश्रित दंडारेख है ना। मॉडल पेपर के अनुसार आपके चार क्वेश्चन होंगे, चार क्वेश्चन टोटल जो आपके हैं वो 16 नंबर के होंगे, चारों क्वेश्चन आपके अथवा में है ना, और में है ना, और चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका मिश्रित दंडारेख या दंडारेख में से एक पूछा जाएगा। तो विशेष सावधानी रखें, और आपको बोर्ड की कॉपी में करना है प्रैक्टिकल की, तो वहां आपको ग्राफ पेपर भी नहीं मिलेगा, तो ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो स्केल का उपयोग करें, इस बार की चौड़ाई का ध्यान रखें है ना, इस स्केल का ध्यान रखें। ये मापक मैंने कैसे लिया, आप 0, 10, 20, 30 की जगह 0, 5, 10, 15, 20 भी ले सकते हो, 0, 20, 40, 60, 80 भी ले सकते हो। केवल आपको ये ध्यान रखना है आपके पास मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है, इन दो नंबर का ध्यान रखकर आप ले सकते हो। अच्छे से चित्र बनाए ना, देखने से लगे, फिर इसको आप नामांकित करें, नीचे भी लिख दे, नीचे जगह ना हो तो आप ऊपर भी लिख दे है ना, अच्छी सी राइटिंग के अंदर आप लिख दे मिश्रित दंड आरेख है ना, इस तरह से नामांकित करें तो ये चित्र आपका पूरा होगा है ना। बाकी जो ये तीन चार है या जगह की कमी है तो आपके पास पूरा जो हॉरिजॉन्टल पेज होगा बड़ा तो आप आराम से कर सकते हो ना। अगला जो आपके है मिश्रित दंडारेख ही है लेकिन अलग टाइप का है। देखो आप आंकड़े उसमें तीन थे, इसमें चार आंकड़े आए हैं है ना। ये जो आंकड़ा है आपके भारत में जो है वो ऊर्जा का है ना, उष्मा ऊर्जा, हीट द्वारा हमें कितनी ऊर्जा मिलती है ना, जल विद्युत हमें कितनी मिलती है और परमाणु ऊर्जा अपने को कितनी मिलती है ना, और फिर टोटल दे रखा है कुल ऊर्जा अपने पास कितनी है ना। ये भी है और इसमें भी मिश्रित दंडारेख की बनाना है, लेकिन आंकड़ों में अगर कुल लिखा हुआ आए है ना तो इसका मतलब बार डायग्राम बनाना है, लेकिन एक ही डंडे में इन तीनों को दिखाना है। कैसे दिखाओगे वो यहां देख लो है ना। इस प्रकार का बार डायग्राम बनाने के लिए देखना आप, सबसे पहले जो है एक लाइन तो मैं खींच देता हूं नीचे, ठीक है, एक लाइन खींच देता हूं मैं ऊपर, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाने से पहले अपने को दोनों अक्ष खींचनी पड़ेगी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो हमने खींच दी। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम नंबर का ध्यान रखें, यहां मिनिमम नंबर कितना आ रहा है और मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है, विशेष ध्यान रखें ना। तो मिनिमम नंबर आपके पास आ रहा है ये 14, और मैक्सिमम नंबर जो आपके पास टोटल में देख लो ये आ रहा ना, ये तो है आपके पास कम से कम, ये है आपके पास अधिक से अधिक है ना। तो आपको दोनों ही दिखाने हैं, इसका मतलब आप 844 भी दिखाने हैं, तो आप 0, 10, 20, 30, 40 लिए तो बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा है ना। लेकिन अगर आप 50, 100 है ना, 150, 200 ले तो भी आपके 20 लाइनें चाहिए, इतनी जगह आपके पास है नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ऐसे 9 लाइनें बना देनी है ना। 0 तो आपके पास है, 0 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300,
300 के बाद 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद 800, 800 के बाद 900, ना ये क्या है अपने पास, है ना। ये जो आंकड़ा जो आपके दे रखा था इस क्वेश्चन के अंदर, ये आंकड़ा दे रखा है आपके उसमें ऊर्जा का और बिलियन किलोवाट में, है ना। भारत में कुल बिजली उत्पादन बिलियन किलोवाट में, है ना। तो इधर से आपका आएगा विद्युत का, विद्युत, विद्युत किसमें है, है ना, बिलियन किलोवाट में, है ना। नीचे आपको लिखना है सन, तीन ही है तो आप आराम से अच्छा सा गैप छोड़ के इन तीनों को लिखें, है ना। पहला यहां लिखे 2008 से 2009, 2008 से 2009। दूसरा यहां लिखे 2009 से 2010, 9 से 2009 से 2010। तीसरा यहां लिखे 2010-11, है ना। ये तीन सन मैंने लिख दिए। फिर अपने को बनाना है बाग, ना पहले कुल का बाग बनाए, दूसरे आपको नहीं देखना है अभी कि भाई अपने पास अन्य आंकड़े भी है, टोटल अपने पास दे रखी है तो टोटल के अपने को डंडे बनाने हैं। किस प्रकार से बनाओगे देखो, है ना। ये देखो, है ना। तो आपको क्या करना है, कितना बनाना है, 741। ये आपके पास हो गया 741, ना। दूसरा डंडा आपको बनाना है 799, 800 के आसपास है, 799। तीसरा 844, 844, तीन डंडे बन गए, बस आधा काम अपना खत्म हो गया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो उसमें है इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर वाला, सॉरी हीट वाला पावर जो आपके है वो देखो, वो 616.2 है। तो आपको 616 जहां नजर आए वहां आपको लाइन खींच देनी है, है ना। 616 यानी ये 600 है, 600 के थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं मैं, ये 616 हो गया, है ना। दूसरा जो आपके सामने है 677, तो इसके ऊपर ले जाता हूं मैं, ये हो गया 677। तीसरा जो है वो 704, तो 700 के ऊपर लाइन ले जाता हूं मैं, ये हो गया 704। हमने एक दिखा दिया, लेकिन अभी आपको जलीय भी दिखाना है, नाभिक भी दिखाना है। तो जलीय दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 616 तो आपके पास उसमें है, इसमें जलीय को जोड़ देना है 110.1, 3, 6, 2 और 7, 726.3। जहां 726 है वहां आप बना लो, ना। तो 700 के थोड़ा सा ऊपर 726, है ना। दूसरा जो आपके पास है 677 में 104 जोड़ दो, 677.1 में 104.1 जोड़ दो, है ना। 781 आ रहा है ना, 781 के आसपास आपको बना देना है बाहर। लास्ट बचा
4.3 में 114.2 जोड़ दो, 5818 ना, 818.5, तो 818.5 का आप 8 के आसपास ले लो ना, फिर आप रफ वर्क है ना, जो आपके रफ काम आपने किया है ना वो वापिस हटा दो ना, ये हो गया। अब आपको सेम संकेत देने हैं जैसे मैंने वहां दिए थे, है ना, आपको सिंबल देने हैं, सिंबल देने के लिए अच्छे से आप सिंबल बना दो ना, कि भी मैंने एक तो बनाए, तीन सिंबल दे दिए, एक सिंबल, दो सिंबल, तीन सिंबल दे दिए ना, इसको कहते हैं संकेत चिन्ह हिंदी के अंदर, इंग्लिश में कहते हैं सिंबल ना, संकेत चिन्ह दे दिए, सबसे पहले उष्मीय है, उष्मीय में दूसरा जलीय है, जलीय में तीसरा नाभिकीय है, नाभिकीय में ना। अब आपको जो भी डिजाइन जैसी भी पसंद आए, जैसा आपको कलर पसंद आए वैसा आपको कलर कर देना, इसमें तो आप डॉट डॉट ही दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो इसमें आपके डॉट डॉट से माध्यम से इसको पूरा भर देना है ना, निकट निकट डॉट लगा देने आपके, ध्यान रहे डिजाइन आपकी तीनों ही डंडों में एक समान दिखे, इस प्रकार से देखो ये हो गया, ये आपके उसमें वाला मामला हो गया। फिर उसके बाद आपके है जलीय है ना, तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसमें आप जो भी आपको डिजाइन करनी है वो दे देना है ना, इस प्रकार से खड़ी लाइनें खींच दे है ना, ये ना। फिर आपके लास्ट जो बचा है वो बचा है नाभिकीय है ना, परमाणु ऊर्जा वाला, इसमें आप आड़ी लाइन दे दे, ठीक है। ये आपके भी मिश्रित डायग्राम का अन्य रूप है, मिश्रित डायग्राम मैंने दो प्रकार से बताए हैं, अगर आंकड़े चार आए हैं उसमें ये जलीय नाभिकीय के साथ कुल भी आया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो है ना, बाद वो इस टाइप का बनाना है मिश्रित डंडा रे तो अभी आप बना सकते हो है ना, वो आपकी इच्छा के ऊपर है ना, ये आपके हो गया मिश्रित डंडा रे। अब लास्ट आपके बचा है पाई चार्ट है ना, वृत्त आरेख जिसे कहते हैं, पाई डायग्राम जिसे कहते हैं, उसको कैसे बनाते हैं पहले एक बार ही देख लेना आराम से है ना, किस प्रकार से मैंने बनाया है, किस प्रकार से टोटल करके इसमें लिखा है ना, वो कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन चार नंबर का आता है मिश्रित आरेख का भी, अगर आ जाए तो आपके काम का ही है ना। फिर लास्ट जो बचता है वो है आपका वृत्त आरेख, क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में से ना, यूरोप का प्रतिशत है ये विश्व में प्रसिद्ध देश दे रखा है ना, यूरोप 20.2%, अफ्रीका 6.5%, जनसंख्या का आंकड़ा है ना, अमेरिका 14.8%, एशिया 56.2% और अन्य 2.3%। पहले आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के लिए अपने को वृत्त जो अपने पास सर्कल जो है वो सर्कल, पहले तो आप एक सर्कल बना देते हैं ना, सर्कल बनाते हैं तो ये आपके पास एक सर्कल हो गया, ठीक है। फिर एक इस सर्कल में आपको
त्रिज्या दे देनी है ना, इसको अपन रेडियस कहते हैं, वो बना देता हूं मैं इसमें बीचों बीच इसका केंद्र बिंदु बना दिया मैंने, है ना। ये आपके पास होते हैं ना, वो वृत्त को आपको पेज के अनुसार खींचना है कि आपके पास पेज कितना बड़ा है जिसके हिसाब से आपके वृत्त खींचना है। फिर यहाँ वृत्त में कुल कितने डिग्री होते हैं, तो वृत्त में कुल 360 डिग्री एंगल होते हैं, इसी सबको जानकारी में है ना। एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री के कोण होते हैं ना, त्रिभुज में 180 होते हैं, वृत्त में जो आपके सर्कल में 360 डिग्री के एंगल होते हैं। तो आपको कन्वर्ट करना है एंगल में, ये प्रतिशत है, प्रतिशत को कोण में आपको चेंज करना है ना। प्रतिशत को कोण में चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, वो आप देखें किस प्रकार में। एक फॉर्मूला लिखता हूं आपको ना, ये फॉर्मूला लगेगा यूरोप का प्रतिशत, यूरोप का प्रतिशत बट्टा 100 × 360 ना। फिर आप अफ्रीका में लगा दोगे, अफ्रीका का प्रतिशत बट्टा 100 × 360 है ना। एशिया में भी हो जाएगा ऐसे ही, एशिया का प्रतिशत बट्टा 100 × 360। यहां का ध्यान रखें, क्या यह 100 है? अगर 100 नहीं है तो जो संख्या यहाँ आ रही है कुल योग, तो उसको भी, तो यहाँ 100 की जगह आप अप्लाई करके कुल योग भी लिख सकते हो। अगर 80 आ रहा है तो आपको नीचे ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, ये तो प्रतिशत आया इसलिए 100 है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए 100 योग आता ही नहीं है, फिर आपके सवाल गलत होगा ना। देखो तो आपने, मैं कर रहा हूं वहां पे सॉल्व, तो 20.20.2 × 100 × 360, एक जीरो तो गया है ना, तो यहाँ जीरो गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 20.2 का 3.6 से गुणा कराओगे ना, 20.2 × 3.6 ठीक है ना। तो गुणा करवा देता हूं आपके सामने ना, अपने पास ये है 0.72 डिग्री है ना। सबसे पहले आपके पास जो यूरोप के जो डिग्री आई है वो है 72.72 है ना। उसके बाद अपन लेते हैं अफ्रीका का है ना, अफ्रीका का लेंगे 6.5 डिवाइड बाई 100 ना × 360, सेम वही है ना, 6.5 को 3.6 से आप गुणा करा दोगे ना, 6.5 3.6 0 39 × 2 3.40, ये आपके पास आया है अफ्रीका का एंगल है ना। फिर तीसरा है आपके पास अमेरिका, सेम ऐसा कैसा होगा है ना, फोर्टीन पॉइंट एट बट्टा हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी है ना। देखो 14.8 3.6 48 4 28 2 8 6 करा देता हूं मैं ना, आपके पास समय कम है तो अपन कैलकुलेटर का यूज करके भी आप निकाल सकते हो है ना। अभी मैं निकाल देता हूं एक बार, उसके बाद आपको एंगल बनाना बताऊंगा, एंगल का उपयोग आप किस प्रकार से बना के करोगे ना।
53.28 ना। चौथा बचा आपके पास एशिया 56.2 बटा 100 इंटू 360 ना। तो आपके 56 है ना पॉइंट टू इंटू 3.6 202.3 डिग्री ना, 32 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे। लास्ट जो आपके बचा है वो बचा है अन्य 2.3 बटा 100 इंटू 360 2.3 इंटू 3.6 ना। इसकी टोटल आपकी 360 होनी चाहिए सबकी। एक बार चेक कर लेना टोटल को कि भाई टोटल आपकी अगर ये हो रही है ना तो आपके आंकड़ा बिल्कुल सही है। फिर आपको क्या करना है, चंदा लेना है ना, और डी लेना है। डी की सहायता से आपको एंगल बनाना है। एंगल बनाते में ध्यान रखना इस सर्कल में एंगल अपने स्टार्ट कहां से करेंगे है ना, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन एक नियम है क्लॉक वाइज अपन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा है ना। क्लॉक वाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपन रेडियस खींच लेंगे क्लॉक के अनुसार ना, उसके बाद अपने को करने में आसानी रहेगी ना। ये जो है सबसे पहले देखो ना, यहां से सीधी एक लाइन खींच ना, ये हमने एक त्रिज्या खींच ली ना। त्रिज्या खींचने के बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद अपन करेंगे सबसे पहले जो एंगल आपने लिया है ये 72, इस 72 को भले आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप जमा सकते हो ना, नहीं भी जमाओ तो भी आप डायरेक्ट एंगल बना सकते हो। अब आपको लेना है डी है ना, ये ले लिया मैंने डी ना। इस डी को ये है ना कितने डिग्री एंगल है 72, तो 72 पे आप क्या करोगे, 72 पे आप सिंबल लगाओगे ना, और फिर डी को आप थोड़ा साइड में ले लो ना, और फिर ये एंगल बन गया ना। फिर आप करोगे 23, डी को वापस इस लाइन पे ले जाओ। किस लाइन पे रखोगे अब आप, इस लाइन पे कितना एंगल है 23, तो 23 पे आप सिंबल लगा दो है ना, और फिर डी को साइड में ले लो है ना, और आप ये 23 ना, उसके बाद आप 53.28 है ना, वापिस डी को इस लाइन पे लगाओ है ना। तो 53 ना, ये हो गया ना। इस तरह से आप सारे एंगल बना लेना। सारे एंगल बनाने के बाद देखो, हाँ ये 202 वाला मैं बता देता हूं,
ये आपसे बनेगा नहीं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए आपको पहले 180 का एंगल बनाना पड़ेगा ना, इसके जस्ट पीछे ही, आपके जस्ट पीछे ही। इसके लिए मैं डी का इस्तेमाल करूंगा ताकि 180 डिग्री का एंगल आप आराम से बन जाए ना। या तो आपके पास गोल डी हो तो आप काम में ले लेना, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां सिंबल लगा देता हूं, देखो 180 के आसपास, यानी ये अपना 180 डिग्री है, ठीक है। अब मैं यहीं से डी को घुमा रहा हूं ना, और इस एंगल पे रख रहा हूं, 180 हो गया। 180 के बाद इसमें से 180 के 22 बचते हैं, तो 22 के मैं यहां आपके 22 के आसपास मुझे सिंबल देना है, दे दिया ना। फिर डी को हटा लूं, जरूरत नहीं अब इसकी, 22 के आसपास मैंने ये बना दिया, ठीक है। फिर आप नाम दे दो ना, मैं जल्दी से नाम देता हूं है ना, आपके कौन कौन सा क्या क्या है। आप ध्यान रखें, ये जो सबसे पहला जो था वो यूरोप था, यूरोप, यूरोप का प्रतिशत कितना है, 20.2%। ध्यान रखें, एंगल नहीं लिखना है, प्रतिशत लिखना है। दूसरा अफ्रीका है, ये अफ्रीका, अफ्रीका का प्रतिशत क्या है, 6.5। तीसरा जो आपके अमेरिका, ये अमेरिका, अमेरिका का प्रतिशत क्या है, 14.8% है ना। चौथा एशिया ना, एशिया का क्या है, 56.2। लास्ट है अन्य, अन्य का क्या है आपके पास, 2.3। अब इसमें भी आप अच्छे से डिजाइन दे सकते हो, नीचे सिंबल बना सकते हो ना, ये पाई चार्ट है। तो मैंने आज आपको तीन चार्ट बताए, दो मिश्रित प्रकार के और एक पाई चार्ट। तो आप प्रैक्टिस करना अच्छे से ना, एक दो क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करना ना। वीडियो अच्छे लगे तो आगे लाइक शेयर और कमेंट भी करना, कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, ताकि मैं वो वापिस आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।